अपने जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दिन गिनतों की किताबें चल रही थी, हमने 36 अध्यायों को गौर किया था। एक एक दिन एक एक अध्याय को ध्यान करते हुए हमने परमेश्वर की कलाम की और अपनी दृष्टि को बढ़ाया था। इसराइलियों की यात्रा किस तरह से मिस्र की गुलामी से बाहर निकलाती हुई सीना पर्वत के पास पहुंचती हैं और सीना पर्वत से लेकर लगभग यर्दन के पास पहुंच चुकी हैं। इसराइल के 12 गोत्रों में से 2.5 गोत्र यर्दन के इस पार रहने का निर्णय को लेते हैं और बाकी 9.5 गोत्रों को यर्दन का पार करना बाकी है। अब यर्दन नदी को इन्होंने पार नहीं किया है, कनान देश में प्रवेश नहीं किया है। मूसा अभी भी सजीव है, लेकिन परमेश्वर ने जिस तरह से कहा था मूसा तुम कनान देश में प्रवेश नहीं करोगे, न केवल मूसा वरन हारून से भी कहा गया था और हारून को हमने देखा था होर नाम के पर्वत के ऊपर हारून की मृत्यु हो जाती है। इसराइलों को आगे बढ़ाने के लिए अभी मूसा की जगह पर नून का पुत्र यहोशू को चुना गया है। शेष बचे हुए इसराइलों को लेकर यहोशू आगे बढ़ते हैं। गिनती की किताब में हमने जिस तरह से गौर किया है लगभग सभी जगहों पर गिनती होती है। इसराइल जिस तरह से मिस्र देश में से बाहर निकलाते हैं पहली बार उनकी गिनती होती है और लगभग 40 वर्ष के बीतने के बाद परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया था इसराइलों से कह देना कि फिर से एक बार इसराइलों की गिनती किया करें। और उस समय हमने देखा था प्रथम गिनती जब होती है हारून मूसा के संग होकर हारून और मूसा मिलकर और इसराइल के सारे कुल के प्रधानों को लेकर उनकी मदद से सारे इसराइलों की गिनती करते हैं जिनकी गिनती लगभग 20 लाख के करीब पहुँच जाती है। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है क्योंकि इन लोगों ने मेरे विरोध में बलवा किया है और इनका मन कनान देश की ओर जाने के लिए नहीं वरन पीछे मुड़कर मिस्र देश में जाने की ओर है, इसलिए मैं चाहता हूँ इनमें से कोई भी कनान देश में प्रवेश ना करें। और इस प्रकार से परमेश्वर के कहने के अनुसार 40 वर्षों तक भटकते भटकते जितने भी 20 वर्ष के ऊपर की उम्र के थे वे सब लोग खत्म हो चुके हैं और उसके बाद 20 वर्ष से जितने भी कम लोग थे जो मिस्र देश में से बाहर निकल आए थे वही आगे बढ़ते हैं और उन सबों की अंतिम गिनती ली जाती है जिन्हें हमने गिनतियों की किताब में गौर किया था। गिनतियों की किताब जिस प्रकार से उसका शीर्षक कहलाता है उसी प्रकार से हर जगह पर गिनती होती है। हमने पूरी तरह से किताब को ध्यान किया है लेकिन सारांश के रूप में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं। किस प्रकार से एक एक अध्याय में एक एक पड़ाव होकर एक एक चरण होकर इसराइली किस तरह से चले हैं, उनकी यात्रा मिस्र से लेकर यर्दन के पार तक किस प्रकार से अभी तक पहुंची हैं, इन सारी बातों को गौर करने से पहले आइए एक और बार हम सब लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। खुदावंत की आशीष मान हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए और खुदावंत की बरकत में अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलते हुए हम सब लोग अपने ज्ञान से समझ से भरते हुए अपनी आत्मा के प्रकाश में हम सब लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर ने किए सारे उपकारों को विस्मरण करते हुए उनके आभार प्रकट करते हुए उनकी महिमा करते हुए उनकी उपासना करते हुए आई फिर से एक बार मिलकर सभी दुआ करते हैं। उसके बाद हमारे ध्यान में आगे बढ़ेंगे। रहमत को हमारे पर दिखाते हुए करुणा और तरस के साथ में प्रभु जी हम सबों को रोज मिलने वाले और जब हमसे मिलने के लिए आते हैं आपके अपार और असीमित प्रेम को भी संग लेकर आते हैं। इतने कृपालु और दयालु पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गौरव आदर सम्मान प्रभु जी आपको ही देते हैं। अद्भुत से समय परमेश्वर एक और वक्त आपके सानिध्य में आने का, भोर को तड़के उठते प्रभु जी आपके उपासना करने का, आराधना करने का सौभाग्य सजीवों की संख्या में रखते हुए उपासना करने वालों की और आपकी आराधना करने वाले के भक्तों की गिनती में रखते हुए जिस तरह से परमेश्वर आपने एकत्रित किए इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के माध्यम से प्रभु जी आप हमसे बातें कीजिए, आगे के समय परमेश्वर आपके हाथों में लेकर आते हैं पवित्र आत्मा का भरपूर अभिषेक और तेज प्रभु जी हम पर प्रकट करने के लिए और हमेशा की तरह परमेश्वर अपनी आशीषमान हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, एक एक व्यक्ति को छूने के लिए, एक एक व्यक्ति को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भरने के लिए, उनकी सारी कमजोरियों को कमी कटियों को दूर करने के लिए, हर रोग से हर बीमारी से उन्हें स्वतंत्र करने के लिए, हर एक पीड़ा से हर एक समस्या से प्रभु जी ने स्वतंत्र करने के लिए और परमेश्वर सुखदायक और आशीष मानिक जीवन प्रभु जी अपने भक्तों को प्रदान करने के लिए आपसे नमन निवेदन करते हैं। हमारे आगे के समय प्रभु जी आप हमसे बातें करने के लिए जा रहे प्रभु जी, आप सिद्ध परमेश्वर हम भी सिद्ध हो चुके हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर हम सबों को देवोत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। गिनतियों की किताब में जिस प्रकार से आरंभ में कहा गया था गिनती जिस प्रकार से इसका शीर्षक कहलाता है और इसी शीर्षक के आधार पर इसराइली जब मिस्र देश में से पहली बार बाहर निकल आए थे सीनाय के जंगल में पहुंच चुके थे वहां पर पहले अध्याय में उनकी गिनती होती है। उसके बाद परमेश्वर इसराइलों को किस प्रकार से रहना है और कैसे उनका निवास स्थान होना चाहिए और परमेश्वर के मिलाप वाला तुम्बू कैसा होना चाहिए
और इसके बाद इसराइली कूच करते समय अपनी यात्रा में आगे बढ़ते समय कैसे चलना चाहिए, कौन आगे जाएंगे, कौन पीछे जाएंगे, कौन सबसे पीछे रहेंगे, कौन बीच में रहेंगे, मिलाप वाला तंबू कैसा रहेगा, कहां पर रहेगा, इसे कौन उठाएंगे, कौन बनाएंगे, इन सारी बातों का निर्देश देते हुए हमने दूसरे अध्याय में देखा था। तीसरे अध्याय में परमेश्वर ने हारून को चुना है याजक के रूप में और इसके बाद हारून के संतानों को चुना है और लेवी वंश के लोगों को परमेश्वर ने याजक का धर्म निभाने के लिए चुना था। और तीसरे अध्याय में लेवियों की गिनती होती है और इसके बाद पहलौटा का किस प्रकार से छुटकारा किया जाना चाहिए इस बात को भी बताया गया है। जैसे हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, कहातियों को देखते हैं, गेर्शोनियों को देखते हैं, मरारियों को देखते हैं और इन सब के साथ में लेवियों की गिनती भी की जाती है। पांचवें अध्याय में जब जाते हैं, कोर के विषय में परमेश्वर कुछ निर्देशों को देते हैं, कुछ सूचनाओं को देते हैं, जो अशुद्ध हो चुके हैं, जो कोर से पीड़ित हैं, उन सबों को परमेश्वर ने कहा है छावनी से दूर रखना है, उन सबों को छावनी के पास आने नहीं देना है। जैसे वे शुद्ध हो जाते हैं याजक को दिखाना पड़ेगा। जब याजक उनको शुद्ध घोषित कर उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूरा कराते हैं उसके बाद वे अपनी छावनी में प्रवेश कर सकते हैं। पांचवें अध्याय में भी हम यहाँ पर प्रायश्चित के विषय में देखते हैं और प्रायश्चित करने के बाद परमेश्वर के साथ में किस प्रकार के मेल मिलाप होते हैं उसके विषय में गौर करते हैं। इसी अध्याय में उस स्त्री के बारे में बताया गया है जो अपने पति को धोखा देते हुए या फिर छल करते हुए, कपट करते हुए उसके साथ में विश्वासघात करते हैं, उनके बारे में किस प्रकार से नियम है पांचवें अध्याय में लिखा गया है। छठवें अध्याय में देखते हैं याजक धर्म निभाने के लिए जो लोग अलग किए गए हैं उन्हें नाजिर करते हैं। नाजिर का अर्थ है हर किसी से दूर रखना, उनको परहेज कराना। और अंतिम शब्दों में याजक किस प्रकार से आशीर्वाद के शब्द प्रकट करते हैं छठवें अध्याय में देखते हैं। सातवें अध्याय में देखते हैं इसराइलियों को निर्देश देने के लिए उनके पुरनियों को बुलाते हैं, उनके प्रधानों को, मुखियों को बुलाकर उन सबों को निर्देश देने के लिए कहते हैं। कौन कौन अर्पण लेकर आएंगे, कैसे अर्पणों को लेकर आएंगे, मिलाप वाले तंबू को बनाना भी आरंभ होना बाकी है और इसलिए उसके लिए अर्पण के लिए परमेश्वर ने मांग रखी थी और इसी बात को सातवें अध्याय में देखते हैं। आठवें अध्याय में जो निर्देश दिए गए हैं, जो सूचनाएं दिए गए हैं वो याजकों के लिए था। उनसे कहा गया है कि सात ऐसे दीपकों को बनाए जो परमेश्वर के सानिध्य में दिखाई पड़े। मिलाप वाले तंबू में जहाँ पर साक्षी पत्र रखे जाते हैं उस संदूक के सामने परमेश्वर के घर पर हमेशा रोशनी देने के लिए दीपकों को बनाने के लिए कहा गया था। उसके बाद में लेवियों से बताया गया है किस प्रकार से उस क्रम को पालन करना है और याजक का धर्म निभाते समय किस प्रकार की याचना करना है, आराधना उपासना करने का धर्म क्या होता है। नवें अध्याय में जब प्रवेश करते हैं सीनै पर्वत के पास पहुंचे हुए इसराइली फसह के पर्व को मनाते हैं। इसके अतिरिक्त इसराइली किस प्रकार से कूच करना चाहिए, कौन से समय पर कूच करना चाहिए, उनके ऊपर परमेश्वर ने एक मेघ को खड़ा किया है। वो मेघ जब चलने लगती है इसराइली को ये संकेत मिलता है कि उन्हें भी चलना होगा, इसलिए हर कोई अपने अपने छावनी से बाहर निकलना है, अपने अपने तंबू को उखाड़ना है और साथ में मेघ जहाँ पर उनको लेकर चलती हैं वहीं पर उनको चलना है। यह मेघ न केवल उनको मार्ग को दिखाता, मार्गदर्शक बनता है, परंतु दिन में उनको धूप से बचा रखता है और रात में आग के खंभे के रूप में होकर उनको ठंड से भी बचा रखता है। दसवें अध्याय में देखते हैं परमेश्वर ने तुरहियों को बनाने के लिए कहा था। तुरहियाँ अलग अलग प्रकार की बनाई जाती हैं। आराधना के विषय में तुरहियाँ अलग हैं, युद्ध की घोषणा करने वाले तुरहियाँ अलग हैं, युद्ध को समाप्त करने की तुरहियाँ अलग हैं, भागने की तुरहियाँ अलग हैं, आगे बढ़ने की तुरहियाँ अलग हैं। परमेश्वर ने हर एक विषय को संकेत देने के लिए तुरहियों के फूंकने के विषय में बताया था। इन्हीं बातों को हमने दसवें अध्याय में देखा है। और इसके साथ में इसराइली सीनै नाम के जंगल से कूच करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवें अध्याय में जब प्रवेश करते हैं इसराइली यात्रा के कारण थक जाते हैं और उनको आहार नहीं मिलती है, उनको पानी नहीं मिलता है, इसलिए मूसा और हारून के पास आकर उनके विरोध में कुड़कुड़ाने लगते हैं और शिकायतें करने लगते हैं। परमेश्वर ने इनकी शिकायतों को सुना है। परमेश्वर ने इनके आहार के लिए आकाश से मन्ना को बरसाया है। उनका मांस का आहार भी देने के लिए परमेश्वर ने बटोर के भी प्रबंध किया है। उस अध्याय में परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुनने के लिए कहा था, जो लोग इनके ऊपर अधिकारी होकर इनके मुखिया बनकर इनके प्रधान होकर मूसा की और हारून की सहायता किया करेंगे। जब बारहवें अध्याय में प्रवेश करते हैं इसराइली कूच करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान जब परमेश्वर मूसा से बातें करने लगते हैं और सारे निर्देश मूसा के जरिए दिलाते हैं, व्यवस्था की सारी बातें परमेश्वर ने मूसा को ही बताई थी और जब भी पुकारते हैं सिर्फ मूसा को ही पुकारते हैं, सारी जिम्मेदारी मूसा को ही दिया है। हारून को देखा है, उनकी बहन मिरियाम को देखा है, इन दोनों का छोटा भाई है मूसा, तो इन दोनों में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। अपनी जलन ईर्ष्या के कारण से वे मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे थे। परमेश्वर की बातें सुनने के बाद हारून से कहा, मिरियाम से कहा और मूसा से भी कहा है, तुम तीनों कल सुबह मेरे साथ में मुलाकात करने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हो जाना। परमेश्वर ने जब बातें करना शुरू किया था मिरियाम कोर से भर जाती हैं। हारून मूसा के पास जाकर, हे मेरे प्रभु, यह अपराध उससे दूर कर दे, उसके निमित्त प्रार्थना कर, उसे इस प्रकार से अधगली ना छोड़, इस प्रकार से पुकार को रखते हैं। इस मन्नत को सुनने के बाद मूसा परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने मिरियाम को चंगा कर दिया था।
13वां अध्याय में जो प्रवेश करते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा है, कनान देश कैसा है इसकी भेद देखने के लिए कुछ लोगों को भेज दे। इसलिए इसराइल के कुल के प्रधानों को कहा गया है, अपने में से एक एक व्यक्ति को चुन लें और उसे भेद देखने के लिए भेज दिया करें। जिस प्रकार से 12 लोगों को भेजा गया था, 12 में से 10 वापस लौट आते हैं और आकर कहते हैं, हम उस देश में नहीं जाएंगे, उनके विरुद्ध में युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उनके सामने टिड्डियों की समान दिखा पड़ते हैं। भेद देखने के लिए जो गए थे, उन्होंने जो खबर सुनाई थी, इस खबर को सुनने के बाद सारा इसराइल रात भर रोने लगता है। सब लोग अपने अपने छावनी में, अपने अपने तंबुओं में, अपने अपने डेरों के द्वार पर खड़े होकर रात भर विलाप करने लगते हैं। और जैसे बोर हो जाते हैं, उन्होंने निर्णय किया कि वापस मिस्र देश में लौट कर चले जाएंगे। इस बगावत को देखने के बाद परमेश्वर क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन मूसा इनको क्षमा करने के लिए परमेश्वर के पास जाकर विनती करते, मध्यस्थी को करते हैं। इसराइल इस प्रकार से क्षमा किए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ इसराइलों ने निर्णय किया था, हम अमालेकियों के विरुद्ध में जाकर युद्ध लड़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, नहीं जाना है। मूसा ने बताया था कि परमेश्वर की आज्ञा है, तुमको नहीं जाना है, लेकिन इसराइली बात नहीं सुने थे। वे अमालेकियों के विरुद्ध में जाकर उनसे युद्ध करने के लिए कोशिश करते हैं। अमालेकियों ने इन्हें अपनी छावनी तक भगा भगा के उनमें से कई सालों को मार भी दिया था। 15वें अध्याय की जो बातों को गौर करते हैं, इसमें अर्पणों के विषय बताया गया है, कौन कौन से अर्पण लेकर आना है, कैसे अर्पणों को लेकर आना है और कितना कितना लेकर आना है। साथ में परमेश्वर ने सप्त के दिन को पवित्र मानने के लिए कहा था, यदि कोई सप्त के दिन का उल्लंघन करता है उसको दंड दिया जाएगा। परमेश्वर ने इस प्रकार से उनको सप्त के दिन के विषय बताते हुए, उनके कामकाज के दिनों के बारे में बताते हुए, अर्पणों के बारे में बताते हुए और साथ ही साथ में याजकों के लिए किस प्रकार से सेवा टहल करने वाले उनके वस्त्र होते हैं, उनके बारे में निर्देशों को दिया है। 16 अध्याय की बात इस प्रकार से है, कोरह, दातान और अभिराम, ये तीनों मिलकर मूसा, हारून और परमेश्वर के विरुद्ध में बातों को करते हैं और कई सारे लोग इनकी बातों में, इनके बहकावे में आ जाते हैं। इन सब का तो कहना यह था, क्योंकि परमेश्वर हमसे मिल चुके हैं, हमसे बातें कर चुके हैं, इसलिए हम भी पवित्र हैं। केवल मूसा और हारून ही क्यों, अपने स्थानों को ऊंचा करते हुए सामान्य जगह पर बैठेंगे। परमेश्वर के हमसे बातें नहीं करेंगे, वे हमसे भी बातें करेंगे। ऐसी बातें परमेश्वर ने सुनने के बाद उनसे कहा था, हर एक कुल से एक एक प्रधान को कहना कि अपने अपनी छड़ियों को लेकर आए। और परमेश्वर ने मूसा से कहा है, हारून से भी कहना कि वह भी अपनी छड़ी को लेकर आए। सभी लोग अपने अपने छड़ियों को लेकर जाते हैं, 12 छड़ियां रखी जाती हैं और साथ में 13वीं छड़ी जो हारून की है उसे भी मिलाप वाले तंबू में रखा जाता है। परमेश्वर के संदूक के सामने रखकर उन सबों को अपने अपने घर जाने के लिए कहा था। सब लोग अपने अपने डेरे में, अपने अपने छावनी में चले जाते हैं। अगले दिन परमेश्वर के कहने के अनुसार अपनी अपनी छड़ियों को देखने के लिए उनको लेने के लिए आते हैं। सब लोगों ने क्या देखा है, उनकी छड़ियां वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन हारून की छड़ी में फूले निकल आते हैं और फल भी लेकर आता है, जिसे परमेश्वर ने सभी के सामने ये बयान कर दिया है, इसे साबित कर दिया है कि मूसा और हारून अपने आप को ऊंची जगहों पर नहीं बिठाए हैं, वरन परमेश्वर ने ही स्वयं उनको बुलाए हैं और उनको उस पद पर नियुक्त किया है। 17वें अध्याय की बातें यहाँ पर समाप्त होती हैं। 18वें अध्याय में जब जाते हैं, याजकों के लिए, लेवियों के लिए परमेश्वर ने जो भाग ठहराए हैं उसके विषय में निर्देशों को देते हैं। परमेश्वर ने कहा, जो कोई भी अर्पण मेरे नाम पर आते हैं वे सब याजकों के नाम पर जाएंगे, मैं कुछ अपने पास नहीं रखूंगा, वरन मेरी सेवा टहल करने वाले याजकों के पास में, लेवियों के पास में जाएगा, उनका निज भाग ठहरेगा। 19वें अध्याय में जब जाते हैं, परमेश्वर ने उनसे कहा था, एक निर्दोष लाल बच्चा को लेकर मेरे लिए पर्व को मनाना। 20वें अध्याय में जब प्रवेश करते हैं, मिरवा के जलों के पास में इसराइली फिर से परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते हैं। उसके बाद इसराइली कूच करते हुए एदोम देश के पास में पहुंच जाते हैं। उसके सिवाने पर पहुंचने के बाद एदोम के राजा को संदेश भेजते हैं, हमें अपने देश में सोकर जाने दे, लेकिन एदोम का राजा ने इनकार कर दिया था। और इस अध्याय में आखिरी भाग में जब जाते हैं, हारून की मृत्यु हो जाती है और पहाड़ के पर परमेश्वर के कहने के अनुसार हारून की मृत्यु हो जाती है। 21वें अध्याय में जब जाते हैं, इसराइली फिर से परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में तेज सर्पों को भेजा था, जिनके डसने के कारण बहुत से लोग मर गए थे। परमेश्वर के पास मूसा जाकर फिर से प्रजा के पक्ष में हुक्म मध्यस्थी करते हैं। तब परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया, एक पीतल के सर्प को बनाकर एक खंभे पर खड़ा करें, जो कोई भी व्यक्ति सांप से डसा गया है वो अगर इस पीतल के सर्प को देखता है वो बच जाएगा, उसका प्राण बच जाएगा। परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा ने इस प्रकार से किया था, और जितने लोगों ने उस पीतल के सर्प को देखा है वे सब लोग अपने प्राण को प्राप्त करते हैं, वे सब बच जाते हैं। इस अध्याय के अंतिम भागों में जब जाते हैं, मोआब का राजा सीहोन और ओग दोनों ही हराए जाते हैं और इस तरह से इसराइली अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। इसराइली जब कूच करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने सिवानों के पास आते हुए इसराइलियों को देखकर राजा बालक भयभीत हो जाते हैं और उनको हराने के लिए, उनकी बचाई को प्राप्त करने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए बिलाम के पास जाते हैं, जो परमेश्वर के नबी भविष्यद्वक्ता हैं, उनके पास जाकर कहते हैं, मेरे लिए इसराइलियों को श्राप देना, तो अगर श्राप देगा वे कमजोर हो जाएंगे और इस तरह से मैं उनके पर प्रबल हो जाऊंगा, मैं जय को प्राप्त करूंगा।
परमेश्वर ने जिनको आशीर्वाद दिया है उनको श्राप देने के लिए बिलाम जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बिलाम से साफ साफ शब्दों में कहा है, जिनको तो श्राप देने के लिए जा रहा है वे आशीष के भागी हो चुके हैं, तो उनको श्राप नहीं दे सकता है। 22 अध्याय की बातों को देखते हैं। बिलाम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाते हुए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार प्रयास करते हैं। 23 अध्याय में 24 अध्याय में भी देखते हैं। इन तीनों अध्याय में बिलाम के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर बिलाम को मना करते हैं, लेकिन बिलाम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाते हैं। उनके भीतर की लालच को पूरा करने के लिए इसराइल को श्राप देने की कोशिश किया है, लेकिन चारों बार परमेश्वर ने उनके मुंह से इसराइल के पक्ष में आशीष के शब्दों को निकाला है। और राजा बालक ने जो काम किया है उसको भी बयान करते हैं, उनका सबके सामने खुलासा करते हैं। इन सब के साथ में बिलाम ने अपनी भविष्यवाणी में, अपने दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को देखा है और अंत के दिनों में क्या होने वाला है उन बातों को भी देखा है। 25 अध्याय में जब जाते हैं, इसराइली परमेश्वर के विरोध में जाते हैं और बालपोर की आराधना करते हैं। अपनी इच्छा के आधार पर मिद्यानी स्त्रियों के साथ में कुकर्म करने लगते हैं। उनकी देवताओं की आराधना में उपासना करने के लिए जाते हैं, उनके यज्ञ में भाग लेते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। यह देखकर परमेश्वर का क्रोध फिर से एक बार इनके ऊपर भड़क उठा है। 26 अध्याय में देखते हैं, 40 वर्ष लगभग बीत चुके हैं और परमेश्वर ने मूसा से एक और बार गिनती करने के लिए कहा था। आरंभ के शब्द में जिस प्रकार से कहा गया है, पहले गिनती लेते समय याजक हारून के साथ में थे। अभी हारून तो नहीं रहे हैं, मूसा की मदद करने के लिए हारून के बेटा याजक एलियाजर उनके साथ में खड़े होते हैं। 27 अध्याय में देखते हैं, सलफाद नामक एक व्यक्ति हुआ करते हैं जो निपुत्र होकर मर गए थे, जिस कारण से उनकी बेटियां मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमारे पिता निपुत्र होकर मर गया है, क्या हमारे पिता को कोई भाग नहीं मिलेगा? हम चाहते हैं हमारे पिता के नाम पर जो भाग होना चाहिए, जो उनके बेटों के पक्ष में जाना चाहिए, उनके बेटे ना होने के कारण हमें दिलाया जाए। परमेश्वर की बात को सुना है और इनकी बात के आधार पर सहमति देकर सलफाद के नाम पर जो भाग होना चाहिए उनके 5 बेटियों को दिलाया था। 27 अध्याय के अंतिम भागों को जब देखते हैं, परमेश्वर मूसा के जगह पर, क्योंकि मूसा की यात्रा यहाँ पर समाप्त होने वाली है, इसराइलों के आगे की यात्रा में उनका अगुवा बनने के लिए परमेश्वर नून के पुत्र यहोशू को नियुक्त करते हैं। 28 अध्याय में जब प्रवेश करते हैं, दैनिक अर्पण कैसे होना चाहिए, सप्ताह के दिन कौन से अर्पण को लेकर आना है, मासिक अर्पण क्या होना चाहिए, फसल के अर्पण क्या होना चाहिए और 18 पर्व का अर्पण क्या होना चाहिए, इन सारे बातों के विषय परमेश्वर ने इनको निर्देश दिया है। 29 अध्याय में नरसिंह के पर्व के बारे में देखते हैं और साथ ही साथ में प्रायश्चित के पाप बलि के विषय में और 7 दिनों के जो पर्व होने वाले हैं उसके अर्पण के विषय में बताया गया है। 30 अध्याय में मन्नतों के विषय में बताया गया है और खासकर ये स्त्रियों के लिए है। अगर वो कुंवारी है तो उसके मन्नत के विषय में क्या करना चाहिए, वो शादीशुदा है उसके मन्नत के विषय में क्या होना चाहिए, उसके पिता का कैसी अनुमति होना चाहिए, उसके पति का कैसा अनुमति होना चाहिए, अपनी मन्नत को कैसे स्वतंत्रता से वो पूरी कर सकते हैं, इन बातों को 30 अध्याय में देखते हैं। 31 अध्याय में देखते हैं, मिद्यान के विरोध में युद्ध करने के लिए जाते हैं, जय प्राप्त कर वापस लौट आते हैं। 32 अध्याय में देखते हैं, जय प्राप्त करके वो इसराइली जब आगे कूच करते हैं, रूबेनियों के, गादियों के और मनुष्य के आधा गोत्र वालों ने कहा है, हम यरदन के उस पार नहीं आएंगे वरन यरदन के इस पार ही रह जाएंगे, ये हमारा निज भूमि होकर रहने दे, क्योंकि यह भूमि डोरों के लिए बहुत अच्छी है और हमारे पास बहुत डोरे हैं, हम चाहते हैं कि यह भाग हमारे लिए दे दिया जाए। मूसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे इसराइली भाई के पक्ष में होकर युद्ध करने के लिए क्या तुम उनकी मदद के बगैर यहीं पर रहोगे? ढाई गोत्र के लोगों ने कहा था, जब तक हम उनको कनान देश में उनके स्वास्थ्य भूमि पर नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम उनके साथ में रहेंगे, युद्ध करने के लिए भी सिद्ध हो जाएंगे, उनको अपनी जगह पर पहुंचाने के बाद हम अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। 33 अध्याय में देखते हैं इसराइल की पूरी यात्रा किस प्रकार से चलती है। मिस्र देश से निकलने के बाद से लेकर यरीहो तक किस प्रकार की यात्रा चलती है, हर एक पड़ाव के बारे में लिखा गया है। 34 अध्याय में देखते हैं परमेश्वर ने इन सारे लोगों की सिवानों को बताते हैं इनकी सरहदें कैसी हैं, कौन सी भूमि है, कहाँ तक है, किस देश तक है, कनान देश का नक्शा सब बताते हुए इनको दिखाते हुए इनसे कहते हैं, ये तुम्हारा देश है, इसे यहाँ से लेकर तो वहां तक स्वतंत्र कर सकते हो। हर एक सिवाने को, हर एक सरहद को परमेश्वर ने उनके लिए बताया था। 35 अध्याय की बातों को देखते हैं, परमेश्वर ने लेवियों के लिए एक भाग देने के लिए कहा था, उनको 42 नगर देने के लिए कहा था, 42 नगरों के साथ में 6 नगर और देने के लिए कहा था। 42 नगरों के साथ में दिया गया अतिरिक्त 6 नगर लेवियों के अधीन में रहेंगे, जिन्हें शरण नगर कहते हैं। ये शरण नगर वो होते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, किसी का खून करता है, वह जानबूझकर नहीं करता वरन गलती से हो जाता है, अपनी बचाव करने के लिए यह शरण नगर में जा सकता है और याजक इसका शरण स्थान बनता है, परमेश्वर उसका शरण स्थान बनता है। जब तक याजक जीवित है तब तक ये व्यक्ति इस शरण नगर में रह सकता है, याजक के मरने के बाद वहां से निकल जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति शरण नगर में रहेगा उसके ऊपर कोई पलटा नहीं ले सकता है। शरण नगर से बाहर जाने के बाद ही जिसके विरोध में घात हुआ है वो व्यक्ति या फिर उनके परिवार के लोग इसके ऊपर पलटा ले सकते हैं। 36 अध्याय में यूसुफ वंशियों को एक संदेह पैदा होती है और ये संदेह विवाह के विषय में है, संपत्ति के विषय में है।
27 अध्याय में हम लोगों ने सालाफात की बेटियों को देखा है, उनको जो निज भूमि दी गई है। यूसुफ के वंशों को यह संदेह पैदा हुआ है, अगर वो किसी और को ब्याह करके चली जाती हैं तो उनका जो भूमि दिया गया है वो किसी और के वंश में चला जाएगा, कुल में चला जाएगा और हमारी भूमि छोटी हो जाएगी, हमारे वंश के, हमारे कुल के लोग छोटे हो जाएंगे। इसलिए मूसा के पास जाकर कहते हैं, इस बात के विषय में सलाह मांगते परमेश्वर के पास मूसा जाते हैं। परमेश्वर ने कहा है, यूसुफ वंश ने जो बात कही है वो सही है, अपने अपने कुल में ही सब लोग ब्याह किया करो। इन सारी बातों को हमने कल के अध्ययन में पूरी विस्तार से ध्यान किया था। अभी तक हमने गिनतियों की किताब की सारांश को देखा है, एक एक अध्याय किस प्रकार से विभाजित किया गया है और प्रत्येक अध्याय में क्या क्या हुआ है। आगे और वचनों को आप सुनना चाहते हैं, गिनती की किताब के सारे भागों को आप जानना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं या फिर हमारे Facebook पेज पर जाकर आप इन सारे बातों को क्रमानुसार एक एक तिथि के अनुसार दिया गया प्रत्येक वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर हमें एक संदेश भेज सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए सिद्ध हैं। परमेश्वर ने वचनों के साथ में आपको ढेरों बरकतों से आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्तुति आराधना के साथ में इन सारे शब्दों के लिए एक और बार प्रभु शुक्र अदा करते हैं। विस्तार रूप से परमेश्वर हमारे अध्ययन में सहायता किए हैं, सारांश के अध्ययन में प्रभु जी आपने हमारी मदद की है, शुक्र अदा करते हैं। भविष्य मसीह की बातों के आगे विलंब होती है, फिर से एक बार प्रभु जी कल सुबह हम सब लोग मिलकर आपकी आराधना करने के लिए हम सब को सजीवों की संख्या में रखें। अगर ऐसा ना हुआ, प्रवेश मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवतों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रवेश मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो कबल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। गिनतियों की किताब की हमारे अध्ययन यहाँ पर समाप्त होती है। कल सुबह के हमारे अध्ययन व्यवस्था वेरन से आरम्भ होती है। प्रार्थना पूर्वक हम सब अपने आप को सिद्ध करेंगे। खुदा दिन वचनों से आपको ढेर बरकतों से भरे, ढेर आशीषों से भरे, स्वर की महिमा परमेश्वर आपके पर प्रकट करें। हमारी इसी द्वार कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।